अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी को जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो सबको मिल सके। इसके लिए सबसे पहले शामिल करना है प्याज, हरी मिर्ची और धनिया। उसको अच्छी तरह चॉप कर लें मशीन में। और इसके बाद हमने आधा किलो डाइस्ड चिकन शामिल करना है। चाहे तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इस तरह यूज़ करती हूँ। इसको डाल के इसको भी चॉप करना है। और इसके बाद बाकी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और एक ब्रेड लेके उसे पीसेस में करके इसमें डालना है, इससे कोफ्ते और मज़ेदार बनेंगे। और इसके बाद 1.5 करीब टीस्पून लाल मिर्च डालनी है और नमक हसबे ज़ायका। मैंने तकरीबन 1 या 2 टीस्पून डाला है। और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करें और 1.5 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च डाली है, कुटी मिर्च, और गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून भर के। मोटा मोटा शामिल नहीं किया क्योंकि फिर पिसने प्रॉब्लम आती है, मुंह में आता है। कोफ्ते सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही बनाएं। सबसे आखिर में की इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, ये नोट करें और ये लाजमी डालें, बेकिंग पाउडर, जिससे आपके कोफ्ते बहुत नरम बनेंगे। हर कोई आपसे पूछेगा कि कैसे बनाए हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर दें और इस मिक्सर को ग्राइंड करके अच्छे एक बाउल में निकाल लें, अच्छी तरह से सब साफ़ करके। और फिर ऑयल की मदद से इसके कोफ्ते बनाएं, राउंड राउंड काफ़ी सारे बन जाएंगे मेरे। तकरीबन इसमें 25 आई थिंक या फिर 22 बने थे। डिपेंड करता है कि आप छोटे बनाना चाहते हैं बड़े बड़े, तो मैंने कुछ बड़े बनाए थे, कुछ छोटे बनाए थे। और साथ ही एक पतीली में आप 1 कप ऑयल डालें और 2 प्याज़ों को छोटी दरमियानी 2 प्याज़ों को फ्राई करें मोटा मोटा। और 2 टमाटरों को मैंने वॉश किया अच्छी तरह से और उसे ग्राइंड करूँगी। और इसी में जो फ्राइड प्याज है और नमक मिर्च हल्दी को डालूँगी, बाकी पानी से मसाला साफ़ करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। और बचे हुए ऑयल में जिसमें आप प्याज फ्राई की थी उसमें गार्लिक का पेस्ट 2 टीस्पून भर के सौते करें, उसी में अपना ग्राइंड किया मिक्सचर प्याज और टमाटर का शामिल करें, जो मसाले डले हुए हैं जिसमें। तो अब इसके बाद इसको भूनें अच्छी तरह से और ढक दें, क्योंकि इसके बाद इसमें शामिल होंगे कोफ्ते। साथ ही मैं अपना किचन क्लीन करती रहती हूँ ताकि मेरे किचन में ज़्यादा काम ना हो। और साथ ही क्योंकि शाम हो जाती है तो मुझे क्लीन करके रखना पड़ता है। तो देखें, किचन भी साफ़ है और खाना एक जगह बन रहा है और बस फिर सर्व होगा, फिर रात में बर्तन धो के फिर नीट एंड क्लीन रहेगा। तो साथ साथ सफाई पे भी ध्यान दें ताकि खाना बनते हुए आपका किचन बाकी भी क्लीन हो। तो अब इसे मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए थे स्लोली स्लोली। उसका एक तरीका है कि आपको हाथ से पकड़ के ना हल्का हल्का हिलाना है, चम्मच शामिल नहीं करना बीच में, जब तक वो एक जान ना हो जाए। उस पर धनिया डाल के सर्व करें। आपके कोफ्ते तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।